नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण का प्रकरण, जो कारक प्रकरण है, उसका जो सामान्य परिचय है, उसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि कारक क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानते हैं। देखिए दोस्तों, कारक और क्या है अपना, विभक्ति। कारक और क्या है दोस्तों, विभक्ति। ठीक है ना, तो अपन इसमें देखेंगे कि कारक, सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, कारक देखेंगे हम। कारक क्या है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध हो उसे क्या कहेंगे, हम कारक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि और संस्कृत में क्या है हमारे, क्रिया जनकत्व कारकम, यानी कि क्रिया का जनक कौन है, क्रिया का जनक कौन करता है, कारक करता है। ठीक है ना, यहाँ पर परिभाषा क्या करिए, जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्व कारकम, है ना, क्रिया को जनक, जन्म देने वाला जो है वो कारक है, क्रिया का जन्म जो है, जन्मदाता जो है वो क्या है, कारक है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा कारक समझ में आ गया कि वाक्य में जिसके द्वारा, मतलब क्या, क्रिया सिद्ध हो से क्या कहेंगे, कारक हम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। पहली परिभाषा क्या कह दी कि क्रिया जनकत्व कारकम, ठीक है, अब दूसरी क्या कह रहा है कि क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। ठीक है ना, जैसे अपने देख ली क्रियां करोति निवर्तयति कारकम, ठीक है ना, क्रियां करोति निवर्तयति कारकम, ठीक है, यानी कि क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को हम कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कारक की दोनों जो है वो परिभाषा होगी। इसके आगे देखिए कि हे बालका नृपस्य पुत्रः याति स्वभवने कोशात। ठीक है दोस्तों, आगे के स्वहस्तेन यज्ञेभ्यः। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में क्या है, धनं ददाति, है ना, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्रिया का जनक जन्म जो है वो कर रहे हैं, इसमें हम क्रिया को कारक के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है ना, कि क्रिया कैसे सिद्ध होगी, हम इसमें क्रिया को सिद्ध करने की जानकारी हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, कारक की परिभाषा हो गई। इसके आगे देखते हैं उदाहरण जो है उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या कह रहा है कि कह ददाति, ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है, ये आई, ठीक है, ये आई क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों, प्रथमा, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, कह ददाति, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, ये आई कर्ता हो गया अपना, ठीक है ना। इसके बाद में किम ददाति, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कर्म क्या हो गया, धनम जो है वो क्या हो गया, कर्म हो गया, इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। इसके बाद में लिखिए केन ददाति, तो हस्तेन, ठीक है ना, करण, तो रामेण, ठीक है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए किभ्य ददाति, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया,
याचकेभ्य, याचकेभ्य यानी कि संप्रदान कारक इसमें हो गया। इसमें पहले में कौन सा कारक है, कहा ददाति प्रथमा विभक्ति, यह आती कर्ता कारक, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा देखिए, किम ददाति धनम, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। विभक्ति कौन सी इसमें हमारी, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तीसरे में क्या है, केन ददाति, ठीक है ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति है ना। और हस्ते, तो इसमें कौन सा है, करण कारक है हमारा। चौथा कौन सा है, किभ्य ददाति, तो किभ्य ददाति में याचकेभ्य, याचकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए, कस्मात ददाति, कस्मात ददाति, ठीक है, कोशात, कोशात रामात, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कस्मात ददाति, ठीक है, पंचमी विभक्ति कोशात है ना। और कारक कौन सा है इसमें, अपादान कारक, कारक कौन सा है दोस्तों इसमें, अपादान कारक, ठीक है। इसमें इसके बाद में कुत्र ददाति, कुत्र ददाति, तो स्वभवने, ठीक है ना, इसमें कौन सा है, स्वभवने, स्वभवने में कौन सा है, अधिकरण जो है, अधिकरण कारक है। और विभक्ति कौन सी है इसमें, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। पहला देखिए, कहा ददाति, यह आती कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। दूसरा देखिए, किम ददाति धनम कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। केन ददाति हस्ते करण कारक, तृतीय विभक्ति, ठीक है। उसके बाद केभ्य ददाति याचकेभ्य संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इसके बाद देखिए, कस्मात ददाति कोशात अपादान कारक, पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसके बाद कुत्र ददाति स्वभवने अधिकरण, सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने जो है वो छह जो कारक है उसके जो है उदाहरणों में जो विभक्तियां हैं उनको हमने उदाहरण से इनको देख लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या कह रहा है कि यहां नृपति आदि पदों का, नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, ठीक है ना। नृपति आदि पद जो है उनका किसके साथ संबंध है, उनका क्रिया के साथ संबंध है, ठीक है। इसके बाद में अतः ये कारक है, और ये क्या है, कारक है। और संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि संस्कृत में जो है वो संबंध और संबोधन को जो है क्रिया से सीधा संवृत्त नहीं होने से उनको क्या है, कारक नहीं माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों, संबंध और संबोधन को, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस वाक्य में नृपस्य पद का याति, ठीक है, वह याति क्या था, कर्ता कारक, ठीक है ना। तो ये नृपस्य पद का याति कर्ता से है, ठीक है ना दोस्तों। नृपस्य पद का याति जो है उसका किससे संबंध है, कर्ता से संबंध है, ठीक है। किंतु क्रिया ददाति में सीधा संबंध नहीं है, ठीक है, क्रिया ददाति में क्या है, सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। इसी तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसी तरह क्या है, हे बालका जो है उसका भी क्या है, क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, नृपति आदि पदों की जो क्रिया के साथ में क्या है, संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध संबद्ध न होने से न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। इस वाक्य में नृपस्य पद का याति कर्ता से सीधा संबंध है, ठीक है ना। और किंतु क्रिया ददाति से क्या है, संबंध नहीं है। इसी तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया। इस तरह कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कितने कारक बताए गए हैं, ये छह कारक बताए गए हैं,
ठीक है ना, कौन सा है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है ना। ये हमारे छह कारक जो है वो बताए गए, ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे अपन देखते हैं, देखिए इसके आगे कह रहा है कि पहला कौन सा है? कर्ता। हमारा पहला कौन सा है? कर्ता। तो कर्ता क्या कह रहा है कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। या क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें किसी का स्वतंत्र रूप में क्या होता है? किसी का कोई दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसमें मतलब वो अपने आप कोई भी कार्य करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जैसे इसका उदाहरण एक देख लेते हैं, गिरीश पुस्तकम पठती, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है? गिरीश पुस्तकम पठती। यहां क्या है? पठती क्या होगी? क्रिया, क्रिया करने, क्रिया करने को क्या कहते हैं? और क्रिया करने वाला कौन है? गिरीश है, अतः कर्ता कारक हो गया ना। पठती क्रिया हो गई और गिरीश कौन है? कर्ता हो गया, ठीक है ना। तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि कोई भी काम हम स्वतंत्र रूप से जिसमें करते हैं उसमें हमारा कर्ता कारक जो है वो लगता है। यहां पर गिरीश पुस्तकम पठती, तो गिरीश क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। स्वयं ही पढ़ रहा है, स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है। तो पठती क्या होगी? पठती क्रिया करने वाले वाला जो है वो कौन है? ग्रीस है। अतः यहां कौन सा कारक हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखिए कौन सा है दूसरा? कर्म। कर्म क्या है? कि क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को क्या कहेंगे? कर्म कहते हैं। क्रिया के क्या है? संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। कर्ता क्या कर रहा है? स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को कर्ता कहेंगे। कर्म किसको कहेंगे? क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट रूप को हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, गिरीश पुस्तकम पठती, गिरीश पुस्तकम पठती। तो यहां क्या हो गया? यहां पर पठन क्रिया के संपादन में क्या है? कर्ता कौन है? ग्रीस के लिए पुस्तक क्या है? सर्वाधिक अविष्ट है, ठीक है ना। यानी कि ग्रीस क्या कर रहा है? यहां पर पुस्तक पढ़ रहा है। तो पठन क्रिया के संपादन में ग्रीस जो है वो सर्वाधिक अविष्ट है, अतः यहां कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, करण कारक कौन क्या है? क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को क्या कहेंगे? करण कहते हैं, ठीक है। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक, यानी कि क्रिया को सिद्ध करने में जब कर्ता की सहायता को जो प्रमुख जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यहां क्या कर रहा है? क्रिया के संपादन में कर्ता के, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो है क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख जो सहायक को हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, गौरी जलेन मुखम प्रच्छालयति, गौरी जलेन मुखम प्रच्छालय। तो प्रच्छालय क्या कर रही है? वो क्रिया कर रही है ना, क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। प्रच्छालन क्रिया का प्रमुख सहायक हो गया ना, सहायक किसका हो गया? जल का हो गया। किससे प्रच्छालन कर रही है? वो जल से कर रही है, ठीक है ना। अपने मतलब मुंह को किससे धो रही है? जल से धो रही है ना। तो यहां पर प्रक्षालन क्रिया का जो है वो प्रमुख सहायक जो है क्या हो गया? जल हो गया। अतः यहाँ क्या है? जल क्या है जो है वो क्या हो गया? करण कारक हो गया, ठीक है ना। यहां पर कर्ता गिरीश था तो कर्ता कारक हो गया। यहां पर पुस्तक जो है वो कर्म था तो यहाँ कर्म कारक हो गया, ठीक है। यहाँ जलेन क्या है? करण है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमने करण कारक कर दिया। प्रक्षालन के क्रिया के साथ में क्या कर रहा है, जल सहायता कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, करण कारक कर दिया। आगे देखिए संप्रदान क्या कहता है। संप्रदान कारक जो है वो हमारे क्या कह रहा है, संप्रदान कह रहा है कि जिसे कुछ दिया जाए। संप्रदान का अर्थ होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है ना, या तो जिसके जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक, इन तीनों में क्या हो रहा है, एक में कर्ता काम कर रहा है, एक में कर्म कर रहा है, और एक में करण जो है वो क्रिया जो है वो सहायता कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, वहां कौन सा होगा, संप्रदान कारक हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमारा क्या, बागीसह मित्राय लेखनीम ददाति, क्या कह रहा है, बागीसह मित्राय लेखनीम ददाति, ठीक है। इस वाक्य में मित्र को क्या है, क्या कर रहा है वो, लेखनी जो है वो दे रहा है, अपना जो पेन है या पेंसिल है वो क्या कर रहा है उसको मित्र को, बागीस जो है वो क्या कर रहा है, मित्र को अपनी लेखनी दे रहा है। कारक क्या कर रहा है, संप्रदान का क्या है, जिसे दिया जाए, तो यहां पर क्या कर, बागीस क्या कर रहा है, अपने मित्र को लेखनी दे रहा है, ठीक है। जैसे अतः मित्राय क्या हो गया, वो संप्रदान कारक हो गया, किसके लिए प्रदान कर रहा है, मित्र के लिए प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, है ना, माता क्या कर रही है, बालक के लिए जो है फल लाने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। इस वाक्य में क्या है, फल लाने का कार्य हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, बालक के लिए हो रहा है, ठीक है ना। इस वाक्य में क्या हो रहा है, फल लाने का कार्य किसके लिए हो रहा है, बालक के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो अतः बालकाय बालकाय क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, किसके लिए ला रही है वो, बालक बालकाय के लिए ला रही है ना, बालक के लिए लेके आ रही है, तो यहां पर क्या हो गया, संप्रदान हो गया, यानी कि देना या कोई चीज लाना या जिसके लिए कोई कार्य किया गया, वह हमें कौन सा कारक करना है, संप्रदान कारक को हमें करना है, ठीक है ना। हमने उदाहरण दोनों देख लिए, बागीस क्या कर रहा है, मित्र के लिए लेखनी दे रहा है, माता किसके लिए ला रही है, बालकाय के लिए ला रही है, तो बालकाय में क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, या मित्राय में क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमने यहां तक देख लिया, इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे है पांचवा जो है वो अपादान। अपादान क्या है, अपादान कारक हम किसे कहेंगे, जिससे कोई वस्तु अलग होती हो, जिससे क्या होती है, कोई भी वस्तु क्या होती है, अलग होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे, ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतति, तो यहां पर पत्राणि यानी पत्ते जो है वो क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ठीक है। अपादान कारक जो है उसमें हमें जिससे कोई वस्तु अलग की जाती है उसमें हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कर लेते हैं। और यहां पर जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि वृक्षात पत्राणि पतति, ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी पत्ते जो है वो क्या हो रहे हैं, वृक्ष से जो है वो अलग हो रहे हैं, तो यहां पर कौन सा हो गया, वृक्षात में क्या आ गया, किससे अलग हो गए, वृक्ष से, तो इसमें वृक्षात में हमारा कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पांचवा जो था वो हमने अपादान देख लिया। इसके आगे देखिए अधिकरण, अधिकरण जो है, अधिकरण कारक क्या है, क्रिया के आधार, क्रिया का जो आधार है वो क्या है, अधिकरण है, ठीक है। तो जैसे मनी मुनि ही आसने तिष्ठति, इस वाक्य में क्या कर रहा है, तिष्ठति क्रिया का क्या है, आधार है,
आसन पर कौन बैठ रहा है? मुनि तो बैठ रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है? मुनि कर रहा है। किस क्या क्रिया कर रहा है? बैठने की कर रहा है। तो क्रिया का जो आधार क्या है? वो तिष्ठ की जो है वो क्या है? क्रिया का आधार है। अतः आसन अधिकरण, तो इसमें क्या हो गया है ना, क्रिया किस पर बैठ रहा है? मुनि आसन पर बैठ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मुनि आसने तिष्ठति, इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार जो है वो क्या है? आसन है। तिष्ठति का आधार क्या है? आसन है। तो आसन में क्या हो जाएगा हमारा? अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे और देख लीजिए आगे, संबंध और संबोधन जो है, संबंध और संबोधन में क्या कह रहा है? जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, यानी कि एक व्यक्ति का अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या हो? संबंध हो, उसे क्या कहेंगे हम? और वहां पर क्या हो? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता हो। एक व्यक्ति का अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो तथा वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता हो, वहां हम कौन सा कारक करेंगे? संबंध और संबोधन कारक हम करेंगे। जहां पर संबंध की बात आ जाए और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो, वहां पर हम संबंध या संबोधन कारक को करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, तो यहां रामस्य रामयो रामस्य कौन सी विभक्ति है? रामस्य कौन सी विभक्ति? यहां पर षष्ठी विभक्ति है। रामस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं इस उदाहरण में। और जिसका पुत्र जो है राम का किससे संबंध है? कुछ से सीधा संबंध हो रहा है ना, पुत्र कुछ से सीधा संबंध है। अतः रामस्य में संबंध वाचक जो है वो षष्ठी विभक्ति है, समझ गए ना। यानी कि हमने जो है वो जिसका पुत्र कौन है? कुश है। राम का पुत्र कौन है? कुश है। रामस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो रामस्य में संबंध वाचक जो है वो षष्ठी विभक्ति है। आगे देखिए, सुहनस्य पुस्तकम अस्ति, सुहनस्य पुस्तकम अस्ति, ठीक है। तो यहां सोहन क्या है? सोहन का पुस्तक से क्या है? सीधा संबंध है, ठीक है। उसके बाद में अतः सोहन क्या है? सोहन संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सोहन अस्य पुस्तकम अस्ति, तो यहां सोहन जो है वो पुस्तक से जो है सीधा संबंध है, और यहां पर हमारे सोहनस्य में क्या हो जाएगा? संबंध कारक हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे क्या कहेंगे हम? संबोधन कहेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? संबंध कर रहे थे। एक व्यक्ति का वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध, उसे हम संबंध कारक, इसमें षष्ठी विभक्ति, ठीक है। संबोधन में क्या है? जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हे बालक, हे बालक कोलाहलम माम कुरु, इस वाक्य में क्या है? बालक को हम क्या कर रहे हैं? हे बालक, बालक को हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अतः बालक को संबोधन किया जा रहा है ना, तो ये क्या है? संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं, और ये पहले भी हमने बताया था कि क्रिया से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए क्या है इसमें हमारे जो संस्कृत में है वो संबंध और संबोधन को क्या है? कारक नहीं माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण है ना, और इसके बाद में संबंध और संबोधन कारकों के बारे में जान लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अगली कक्षा में जो है वो हम अन्य जो कारक है हमारे उनके बारे में बात करेंगे।
ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हमने जो कारक जो है उनका हमने सामान्य परिचय जो है वो जान करके और आगे जो है वो हम विभक्तियों के साथ जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी है ना इन सब विभक्तियों के साथ कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।